आज हम आपके लिए लेके आई हूँ यूपी बिहार की बहुत ही फेमस ठेकुआ की रेसिपी। इसे छठ पूजा में प्रसाद के लिए बनाया जाता है। छठ पूजा में गेहूं के आटा का ठेकुआ बनाया जाता है, बट आप इसे एज अ स्नैक्स या फिर ट्रैवल के लिए मैदा से भी बना सकते हैं। चलिए मैदा से ठेकुआ घर पे कैसे बनता है देख लेते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए मैं यहाँ 1 कप मैदा, 1 कप सूजी, 1/2 कप ग्रेटेड कोकोनट, 1 टीस्पून सौंफ, छोटे टुकड़ों में कटे हुए 1 टीस्पून किशमिश, छोटे टुकड़ों में कटे हुए नारियल, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/2 कप चीनी, एंड में 1/2 कप घी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी डालने से ठेकुआ ज़्यादा खस्ता बनता है, पर तेल का इस्तेमाल यहाँ पर ना करें तो ही अच्छा है। अभी ऐसे हथेलियों में रब कर लें ताकि घी अच्छे से मिल जाए। चीनी रहने के कारण ठेकुआ ज़्यादा क्रिस्पी एंड टेस्टी बनता है। आप चाहे तो चीनी को गर्म पानी से मेल करके भी यूज़ कर सकते हैं। दूध से हम आटा को गूंद लेंगे। आप चाहे तो पानी से भी आटा गूंद सकते हैं, लेकिन दूध से आटा गूंदने से आटा ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। हम एकदम सख्त डो बना लेंगे, इस तरह से मल लेंगे ताकि आटा अच्छी तरह से बाइंड हो सके। ठेकुआ बनाने के लिए थोड़ा सा आटा निकाल के बाइंड कर लेंगे। ठेकुआ को अभी गोल या लंबा अपने हिसाब से शेप बना लेंगे। मार्केट में ठेकुआ बनाने के लिए अलग सा सांचा मिलता है, आप शेप बनाने के लिए उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास सांचा अवेलेबल नहीं है, इसलिए चम्मच की मदद से डिज़ाइन बना लेंगे। ये हमारा ठेकुआ बनके तैयार है। इस तरह से सारे ठेकुआ बना लेते हैं। अभी हम इसे फ्राई करेंगे। ठेकुआ बनाने के लिए मीडियम हॉट ऑयल की ज़रूरत है। अभी हमारा तेल गर्म हो गया है, अभी ठेकुआ तेल में डालेंगे। मीडियम फ्लेम में ठेकुआ को फ्राई कर लेंगे। ब्राउन करके बोथ साइड फ्राई कर लेना है। आप इसे स्टोर करके 2-3 वीक्स तक खा सकते हैं। सारे ठेकुआ इस तरह से फ्राई कर ले। अभी दो साइड से फ्राई हो गया है, अभी निकल लेती हूँ। क्रिस्पी टेस्टी ठेकुआ बनके रेडी हो गया है। बच्चों को ठेकुआ बहुत ही पसंद आता है, बस ठंडा होने तक वेट करें। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। फॉर मोर अपडेट द बेलीफ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।